मेरा नाम है खुशहाल कुमार। उस वीडियो में आज हम बात करने वाले टाटा नेक्सोन के एक्सजेड प्लस वेरिएंट के बारे में। ये इसका डार्क एडिशन है, जैसे आप जैसे डार्क कलर में कितनी बढ़िया लग रही है, प्रीमियम भी लगती है। इंटीरियर भी आपको मैं इस कार का दिखाऊंगा, कैसा इस कार का इंटीरियर आपको दिया जाएगा। पहले मैं आपको इस कार का इंटीरियर दिखाता हूँ एक बार। जैसे आप जैसे ब्लैक कलर का रहने वाला इंटीरियर, कहीं ना कहीं जगह आपको यहाँ पे पैनो ब्लैक फिनिश भी दी जाएगी, जो कि इसके इंटीरियर को काफी प्रीमियम बना देती है। और क्या क्या फीचर्स आपको इस कार के इंटीरियर और एक्सटीरियर में दिए जाएंगे, वो ज्यादा सब कुछ हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। मैं खड़ा हूँ टाटा मोटर्स मंगलम धामपुर बिजनौर उत्तर प्रदेश में। इनके कॉन्टेक्ट की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए फिर बात कर लेते हैं टाटा नेक्सोन एक्सजेड प्लस वेरियंट में आपको क्या क्या ऑफर करा जाता है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ इस कार की फ्रंट प्रोफाइल से। जैसे आप जैसे बड़ी सी आपको उसमें ग्रिल दी जाएगी, तो जैसे आप जैसे यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक फिनिश में मिलने वाली है। बीच में टाटा का लोगो हो गया, काफी बड़े साइज का लगता है। और ये इस कार की हेडलाइट प्रोजेक्टर हेडलैंप दिए जाएंगे आपको। तो यहाँ पर आपको बल्ब मिल जाएगा, डीआरएस आपको यहाँ पर दी जाएंगी। और नीचे की साइड मिल जाएंगी आपको यहाँ पर फोग लैंप्स, यहाँ पर भी आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिलने वाली है। और यहाँ पर आपको ट्राई एरो डिजाइन दिया जाएगा, जो कि पियानो ब्लैक फिनिश में रहने वाला है। यहाँ पर भी आपको ट्राई एरो डिजाइन मिल जाता है। फिर ओवरऑल कुछ इस तरह की लगती है फ्रंट प्रोफाइल इस कार की। ये इस कार की साइड प्रोफाइल, यहाँ पर नीचे की साइड आपको छोटे साइज की क्लैडिंग दी जाएंगी, जो कि आपकी पूरी यहाँ तक जाएंगी। फिर यहाँ पर भी आपको ब्लैक कलर में मिल जाता है। और ये इस कार के एलॉय व्हील्स, 16 इंच के आपको उसमें एलॉय व्हील्स दिए जाएंगे। 215/60 R16 इनकी प्रोफाइल रहने वाली है, जो कि ब्लैक कलर में है। और ये इस कार का फेंडर, हैशटैग डार्क की आपको यहाँ पर बेजिंग मिल जाएगी। ये ORVM, जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल रहने वाला है। इंडिकेटर आपको इसके ORVM पर ही दिया जाएगा। और आपको इस वाले वेरियंट में कोई भी सनरूफ देखने के लिए नहीं मिलती है। एक्सजेड प्लस वेरियंट में अपर वेरियंट आता है, जिसमें आपको सनरूफ दी जाएगी और डोर हैंडल्स हो गए बॉडी कलर के। ए पिलर हो गया, बी पिलर हो गया और सी पिलर हो गया, वो भी आपको ब्लैक कलर में दिया जाएगा। सीट मिल जाएगा आपको यहाँ पर को ड्राइवर साइड। फिर ओवरऑल किस तरह की लगती है साइड से देखने में। और ये रही इस कार की बैक प्रोफाइल, मैं आपको एक बार सही से बैक प्रोफाइल दिखा देता हूँ इस कार की, वाइड एंगल करके दिखा देता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं ऊपर की साइड आपको शार्प फिन एंटेना मिल जाएगा, रेयर स्पॉयलर हो गया, यहाँ पर हाई माउंट स्टॉप लैंप हो गया। इस कार में आपको रूफ रेल्स भी दी जाती है ब्लैक कलर में, मैट ब्लैक कलर की रहने वाली है। पियानो ब्लैक फिनिश में नहीं मिलेगी आपको। वोकल फोर लोकल का स्टिकर हो गया, रेयर डिफोगर हो गए, फाइफर हो गया, बोशर हो गया, जैसे फीचर्स आपको बैक में दिए जाएंगे इसके। टाटा का लोगो हो गया, पियानो ब्लैक फिनिश यहाँ पर हो गई। और ये रही इसकी LED टेल लाइट, जो कि आपको इसके बेस वेरियंट से ही दी जाएगी। इंडिकेटर और बैकलाइट में बल्ब हो गया। नेक्सोन की बेजिंग दी गई है यहाँ पर ब्लैक कलर में, अगर आप इसे दूर से देखते तो आपको नहीं दिखेगी इजिली। यहाँ पर आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा, नीचे से रिफ्लेक्टर्स हो गए, पार्किंग सेंसर्स, बैक में आपको कोई भी सिल्वर स्किड प्लेट जैसा कुछ देखने के नहीं मिलता है। तो चलिए फिर मैं आपको इस कार का बूट दिखाता हूँ, फिर कितना बूट स्पेस आपको इस कार में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको एक बटन दिया जाता है, जिसको आप प्रेस करेंगे तो आपकी कार का बूट अनलॉक हो जाएगा। तो आपको पार्शियल ट्रे भी दी जाएगी यहाँ पर, टैप रेशर मोबिलिटी किट हो गई और टूल किट मिल जाएगी आपको यहाँ पर। और स्पेयर व्हील भी दिया जाएगा, जैक हो गया, तो कुछ ऐसे मिल जाते हैं आपको। और यहाँ पर आपको लैंप भी दिया जाता है इसकी बूट में। तो जैसा आपने देखा ओवरऑल किस तरह का था इस कार का एक्सटीरियर लुक, जो भी आपको मिल जाता है वो मैंने आपको एक्सटीरियर में दिखा दिया है। जैसे आपने देखा काफी बढ़िया फीचर्स आपको इसके एक्सजेड प्लस वेरिएंट में मिल जाते हैं। और डार्क कलर होने के बाद तो कितनी बढ़िया लगती है कार, जैसे कि आपने देखा सारे फीचर्स मिल जाए। आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हो गए, एलॉय व्हील्स हो गए, LED लाइट, DRS हो गई, जो आपके बेस वेरिएंट से ही मिल जाती है इस कार में। अब चलिए फिर देख लेते हैं इस कार के इंटीरियर में आपको क्या क्या ऑफर कराया जाता है इस कार के एक्सजेड प्लस वेरियंट में। और ये इसका ड्राइवर साइड डोर, यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर बटन दिया जाएगा। जैसे आप देखते पूरा ब्लैक कलर में रहने वाला है इंटीरियर इस कार का, जो कि दिखने में बहुत प्रीमियम और बढ़िया लग रहा है। और यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक फिनिश दी जाएगी, डोर अपना ब्लैक कलर का हो गया। लॉक अनलॉक के लिए चारों पावर विंडो कंट्रोल दिए जाएंगे, ट्विटर्स हो गए, स्पीकर दिए जाएंगे आपको यहाँ पर, बटन बोर्ड के लिए स्पेस, डॉक्यूमेंट रखने के लिए स्पेस। और बाहर से देखने में कुछ इस तरह का लगता है इंटीरियर इस कार का। ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन भी दिया जाएगा आपको, इसको आप यहाँ से मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। और ये रहा बैक डोर इस कार का, पियानो ब्लैक फिनिश दी जाएगी आपको यहाँ पर, डोर ओपनर पियानो ब्लैक फिनिश में हो गया, स्पीकर हो गया, बटन बोर्ड के लिए स्पेस, डॉक्यूमेंट रखने के लिए स्पेस। ये रहा इंटीरियर इस कार का, ट्राई एरो डिजाइन भी दिखने वाला है आपको यहाँ पर। और यहाँ पर भी आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाएगा। और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसके स्टीयरिंग व्हील से ही। और ये रहा स्टीयरिंग व्हील इस कार का, लेदर रैप्ड रहने वाला है ये, टाटा का लोगो मिल जाएगा आपको यहाँ पर। और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाएंगे, पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाएगी यहाँ पर भी आपको, पियानो ब्लैक फिनिश मिलने वाली है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, MID मिल जाएगी आपको बीच में, RPM मीटर यहाँ पर मिलने वाला है, स्पीडोमीटर बीच में मिल जाएगा। और यहाँ पर फ्यूल का पता चलता रहेगा आपको, और टेम्परेचर का वहां पर। इसमें आपको कुछ अलर्ट लाइट्स भी मिल जाएंगी, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी मिलने वाला है आपको, क्या माइलेज दे रही है, कितना चल गई है, कौन सा डोर ओपन है, वो भी आपको सब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में दिखता रहेगा।
7 इंच का टच स्क्रीन एनफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा आपको, एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले के साथ, और हरमन का रहने वाला ये म्यूजिक सिस्टम। एसी वेंट्स मिल जाएंगे आपको यहाँ पर, यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक स्मिथ मिल जाएगी, हजार्ड लाइट का बटन नेक्सन लिखा गया है स्पेस देकर, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल एसी है इसमें जिसके कंट्रोल्स मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको एक्सप्रेस कूल का भी फीचर मिल जाता है लॉक अनलॉक के लिए, कार की बूट को अनलॉक करने के लिए बटन दिया जाएगा आपको यहाँ पर, 12 वोल्ट का पावर सॉकेट, यूएसबी पोर्ट, ऑक्स पोर्ट, और 6 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन में रहने वाली कार, ये रहा गियर नॉब इसका, लेदर मिल जाएगा आपको। यहाँ पर भी आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिलने वाली है, ड्राइव मोड दिए जाएंगे आपको यहाँ पर, डायलर सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, आर्मरेस्ट मिल जाएगा आपको यहाँ पर विद स्टोरेज, तो आपको थोड़ा सा स्पेस फिर यहाँ पर भी दिया जाता है। और फिर कुछ इस तरह का लगता है डैशबोर्ड इस कार का, ये रहा ड्राइवर साइड एसी वेंट, और मैं आपको इस कार का ग्लव बॉक्स दिखाता हूँ, कोई इतना स्पेस मिल जाएगा आपको इस कार के ग्लव बॉक्स में, कूल्ड ग्लव बॉक्स मिलने वाला है आपको, एसी वेंट, मेरा को ड्राइवर साइड डोर, पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाएगी यहाँ पर, सॉफ्ट मटेरियल, वाटर बॉडी के लिए स्पेस, डॉक्यूमेंट रखने के लिए स्पेस, स्पीकर, ट्विटर, वेरी सीट इस कार की, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं आपको, और लेदर सीट्स दी जा रही हैं आपको, सनवाइजर ये भी आपको ब्लैक कलर में मिलने वाला है, और ये रहा को ड्राइवर साइड सनवाइजर, पेनेटी मिरर मिलेगा आपको यहाँ पर, ग्रैब हैंडल ये भी आपको ब्लैक कलर में मिल जाएगा। तो चलिए फिर ये तो था इस कार का फ्रंट सीट पर बैठकर जो भी कुछ आपको मिल जाता है वो तो मैंने आपको दिखा दिया है, मैं आपको इस कार की रियर सीट पर चलकर दिखा देता हूँ फिर क्या क्या मिल जाता है आपको वहां पर, कितना स्पेस मिल जाता है आपको, जो ड्राइवर सीट अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर देता हूँ, मेरी हाइट 6 फीट है जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कितना लेग रूम मिल जाता है। तो वैसे आप देख सकते हैं कितना लेग रूम मिल जाता है इस कार में आपको, रियर एसी वेंट्स दिए जाएंगे, और फिर कुछ इस तरह का लगता है डैशबोर्ड इस कार का लास्ट रो में बैठ के, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं आपको फ्रंट में और बैक में भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे, आर्म रेस्ट दिया जाएगा कप होल्डर के साथ, ग्रैब हैंडल, पियानो ब्लैक फिनिश दी जाएगी आपको यहाँ पर, पावर विंडो कंट्रोल्स, डोर ओपनर ब्लैक कलर, स्पीकर, वाटर बोर्ड के लिए स्पेस। तो चलिए फिर कुछ इस तरह का था इस कार का इंटीरियर, जो भी कुछ आपको इस कार का इंटीरियर मिल जाता है वो मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया है।